दोस्तों सनातन हेल्थ सलूशन चैनल पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी भाई और बहनों के लिए ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को वाइट पैचेस, लिकोडर्मा विटिलिगो, सफ़ेद दाग, फुलहारी की समस्या है। दोस्तों मैंने 90 सेट के वो सभी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अगर आप एक बार उन सभी 90 सेट के वीडियो को देख लेते तो आपकी वाइट पैचेस, लिकोडर्मा विटिलिगो की समस्या 90% तो उन वीडियो को देखने के बाद ही समझ जाएंगे और आपकी समस्या बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस बीमारी को ठीक करना के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है उस चीज़ को आपको समझना होगा, वो कौन सी बात है कि अगर आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ को समझना होगा कि कौन सी चीज़ को खाना है और कौन सी चीज़ को नहीं, परहेज और डाइट प्लान, उस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक रामबाण साबित होगा अगर आप समझ गए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप निश्चित ही 100% मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने आप परहेज करके देखिए, आपको रिजल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते, अविश्वसनीय तरीके से। दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी बीमारी या कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। हम आज 4 चीज़ों पर बात करेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि करेला, अंगूर, खजूर और चुकंदर, ये कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है और इसका सेवन कब करना है, इन चीज़ों को आपको समझना है। क्योंकि अगर आप सही समय पर, सही टाइम पे, सही मात्रा में किसी चीज़ को लेते हैं तो वो आपके शरीर को अमृत का काम करती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंगूर की, अंगूर की बात करते हैं, अंगूर को कैसे लेना। तो सबसे पहले अंगूर को ज़्यादातर कोशिश करना है कि आप को इसको धुलकर लेना है, साफ़ करके अच्छे से, और मीठे अंगूर लेना। क्योंकि देखिए दो तरह के अंगूर आते हैं, खट्टे आते हैं और एक मीठे आते हैं, तो खट्टे आपको नहीं खाने हैं और अगर मीठे हैं तो वो लेना। क्योंकि मीठे जो होंगे उसमें सुक्रोज की मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है और ग्लूकोज भी होता है उसमें, वो आपके, तो क्या आप इस चीज़ को समझना है, बहुत ज़रूरी है। तो आपको दोस्तों कम से कम 100 ग्राम अंगूर आपको, और मीठे वाले ही लेना है, खट्टे आपको नुकसान करेंगे इसलिए खट्टे नहीं लेना है। तो आपको 100 ग्राम, उसमें बहुत ज़बरदस्त मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो आपके शरीर में जाकर ऊर्जा को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और आपके इम्यूनो सिस्टम को भी बूस्ट करता है। ये आपको ध्यान देना है इस चीज़ को बहुत अच्छे से। तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कि आपको इसको लेना कब है। दोस्तों आप नाश्ते में सुबह आप फलों का सेवन करिए, जितना आपका वेट हो उस हिसाब से हमने डाइट चार्ट डाला हुआ है, कुछ टिप्स बताए हुए हैं, वो आप वीडियो पे जाकर देख लें कि कितनी मात्रा में कैसे लेना है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे खजूर की। दोस्तों खजूर आपके सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, लिकोडर्मा को कम करने की टेक्निक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। जिनके दाग बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, बहुत बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आपके वाइट पैचेस रुक नहीं रहे हैं, आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, इसका मतलब है कि आपके शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आपको क्या करना है, खजूर लेना है दोस्तों, छुहारे नहीं लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। खजूर लेने हैं, खजूर लेने हैं, कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। इस समय गर्मी है तो गर्म भी कर सकते हैं, तो आपको 2 ही लेने हैं। फिर आपको क्या करना है कि इनको दोस्तों शाम को भिगो कर रख देना है पानी में, आप एक कप चाय वाला जो कप होता है उसमें आप भिगो के रख दीजिए, उसके बाद उनको भिगने दीजिए सुबह, शाम को भिगोने के लिए रखिए और सुबह आप उसको दोनों खजूर खा लीजिए चबा चबा कर और उसका पानी भी पी लीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके जो वाइट पैचेस हैं, लिकोडर्मा है, विटिलिगो है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे बढ़ना। आपके दाग जो ज़्यादा निकल रहे थे, नए नए न्यू वाइट पैचेस स्पॉट आ रहे थे, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और 1 महीने में ही आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 महीने के बाद जब अगला महीना शुरू होगा, अगले 2 महीने में आपके दागों में दोस्तों ठीक होने का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने तक अगर आप नियमित करेंगे तो 3 महीने में आपके वाइट पैचेस, लिकोडर्मा बहुत तेज़ी से ठीक होने लग जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसका आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खजूर ही लेना है ब्लैक वाले, आपको
छुहारे नहीं लाना है। बहुत सारे लोग छुहारे लेकर आ जाते हैं, सूखे वाले छुहारे होते हैं, खजूर गीला होता है। छुहारे आपको जो परचून है किराने के स्टोर पे मिल जाते हैं, लेकिन खजूर आपको फलों वाले दुकान पे मिलते हैं। फल की दुकान पे आप खजूर आप ला सकते हैं, फलों की दुकान से एक पैकेट एक डिब्बा लेकर आइए और उसका सेवन करिए। अगर बच्चे हैं तो उनको दो दीजिए और बड़े हैं तो चार। अब बात हम करते हैं दोस्तों जो सफ़ेद और वाइट पैचेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि ब्लड का जैसा आप ब्लड के जैसा दिख रहा है इसका जूस, उसको कैसे देखना है। तो आपको कभी भी इसको खाली पेट नहीं लेना है। कब लेना है? खाना खाने के बाद, जैसे कि आप शाम को ले सकते हैं, क्योंकि शाम को आप 5 बजे या 4 बजे आराम से इसमें थोड़ा सा गाजर अगर मिला लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा और ज़्यादा। तो आप एक गिलास, आप शाम को कम से कम बड़ा वाला गिलास होना चाहिए और उसमें गाजर मिला होना चाहिए, तो गाजर मिक्स करके लेंगे। इसमें नमक का यूज बिल्कुल भी आप ना करें। आपको ये चीज़ इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको नमक इसमें नहीं मिलाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, आपका लीवर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और आपके जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो इतनी ज़्यादा प्रवाहित होने लग जाएंगी पूरी बॉडी में, और आपके वाइट पैचेस, लिक्विडर्मा, विटिलिगो में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। आपके दागों को तेज़ी से ठीक करने में, नेचुरल तरीके से ठीक करने में सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं करेला। दोस्तों ये कड़वा होता है, इसकी सब्जी भी आप खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी आप इसको बना सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी सब्जी बनाकर बेसन की रोटी के साथ खाइए, और करेले का जूस अगर आप पी सकते हैं खाली पेट तो आप खाली पेट इसको पीजिए, क्योंकि बहुत कड़वा होता है तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। तो आप थोड़ी मात्रा में आप लीजिए, एक कप जो चाय वाला एक कप होता है उतना आप प्रतिदिन खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और अगर खाली पेट ले सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन ये फ़ायदा दोनों तरीक़ों में आपको बहुत ज़्यादा पहुंचाएगा। तो आप इसका उपयोग कीजिएगा, ये भी आपके जो ब्लड को प्योरीफाई करता है और आपके शरीर को बहुत स्वस्थ और मजबूत बनाता है, जिससे आपके शरीर में जो भी विकार हैं, जो आपका ये चार चीज़ें थी जो वाइट पेचेस और लिकोडर्मा में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये रामबाण है, आपको इनका उपयोग करना है। तो थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अप्लाई कीजिए।